हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियर के किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन LNT के एग्जाम में और बाकी बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये कलेक्ट की गए हैं बहुत सारे सोर्स से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि M20 में वो M क्या होता है और ये 20 क्या होता है और इसका प्रोपोर्शन भी क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली सबसे पूछा जाता है और सबको पता भी होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय M20 एंड इट्स प्रोपोर्शन, मतलब इसमें जो M20 में M क्या होता है, M जो होता है वो होता है मिक्स, और जो 20 जो होता है ना वो उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की 28 days में, और जो जिसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब 20 मतलब M20 की जो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 28 days में वो कितनी होगी, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और इसका जो प्रोपोर्शन होता है ना वो होता है 1:1.5:3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सबसे। और एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 BH की फुल फॉर्म क्या होती है, BHK, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, 1 bedroom 1 hall और 1 kitchen। मतलब B का मतलब बेडरूम है, H का मतलब हॉल है, और K का मतलब के है किचन है। तो ये पूछा जाता है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि यूनिट वेट क्या होता है, मतलब कि RCC का यूनिट वेट क्या होता है, PCC का यूनिट वेट क्या होता है, स्टील का यूनिट वेट क्या होता है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो इसमें PCC का मतलब प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, जिसका 24 kN/m³ होता है, और रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट का कितना होता है, 25 kN/m³, और जो स्टील का कितना होता है, 7,850 kg/m³। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। यूनिट वेट किसी का पूछ सकते हैं आप, RCC का पूछ सकते हैं, PCC का पूछ सकते, स्टील का, तो तीनों का पता होना चाहिए। और क्या पूछते हो, तो हम पाइल फाउंडेशन कब यूज करेंगे, तो कब हम पाइल फाउंडेशन के लिए जाते हैं का मतलब कब हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं, इफ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज बिलो 24 kN/m³। और क्या अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब हमें ये तो पता होना चाहिए एक सीमेंट बैग की कितनी वॉल्यूम होती है, इसका वेट भी पता होना चाहिए। तो इसका 50 kg तो वेट होता है, एक सीमेंट बैग में कितना वेट होता है, 50 kg, ये पता होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन है साइट इंजीनियर में, तो ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होना चाहिए। और अगर साइट इंजीनियर का दे रहे तो इसकी वॉल्यूम का क्वेश्चन तो लगभग सबसे पूछा जाता है कितनी होती है। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है कितनी, 0.0347 m³, और हम क्या बोल सकते हैं 1.23 cubic feet। तो इसकी वॉल्यूम हमें पता होनी चाहिए, एक सीमेंट बैग में कितनी वॉल्यूम होती है। और जो क्वेश्चन है ना, मिनिमम कवर फॉर स्लैब बीम कॉलम फुटिंग, किसी का पूछ सकते हैं आपसे, स्लैब का पूछ सकते हैं, बीम का पूछ सकते हैं, कॉलम का पूछ सकते हैं, फुटिंग का पूछ, तो हमें सबका तो पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, स्लैब का कितना होता है मिनिमम जो कवर होता है, कितना मतलब जो मिनिमम कवर होता है उस स्लैब का कितना होता है, 20 mm, और बीम का कितना होता है, 25 mm, और कॉलम का कितना, 40 m, और फुटिंग का कितना होता है, 50 mm। तो अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अगर आप साइट इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि मीन सी लेवल अडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रिफरेंस इज लोकेटेड इन मुंबई और कराची। मतलब मीन सी लेवल, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि कराची है कि मुंबई है, तो आपकी कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। मतलब कि मीन सी लेवल जो अडॉप्ट किया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया से, वो कहाँ है रेफरेंस पॉइंट, तो जो पहले जो था ना वो कराची था, पर जो अभी है ना वो मुंबई है। तो मैं याद रखना, अभी जो यूज होता है वो मुंबई है, मुंबई हाई यूज होता है, मुंबई हाई भी बोलते हैं, तो मुंबई हाई यूज होता है, मुंबई है, जो पहले यूज होता था ना वो कराची था। तो अभी हमें अच्छे से याद रखना है कि अभी जो यूज होता है मुंबई है। तो और स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्रॉग, मतलब जो ब्रिक होती है उसमें जो अंदर का ये जो बना होता है, इस पे नाम लिखा रहता है ब्रिक्स की कंपनी का या किसी का भी, तो उसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, मतलब ये पूरा इसका साइज कितना होता है, वो कितना होता है, 100 × 40 × 10, मतलब ये 100 mm, और ये जो होता है ये 40 mm, और जो उसमें डेप्थ होती है ना वो 10 mm। तो ये इस फ्रॉग का साइज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तो पता होना चाहिए। वॉट इज द स्लोप ऑफ स्टेयर केस, मतलब स्लोप क्या होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू IS कितना होता है, 25 degree to 40 degree, मतलब ये जो हमारा स्लोप होता है ना स्टेयर केस का, मतलब वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए
25 डिग्री से 40 डिग्री। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट आर द कॉन्क्रीट टेस्ट, मतलब कॉन्क्रीट टेस्ट कौन से होते हैं, मतलब साइट इंजीनियर जा रही है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्क्रीट टेस्ट जो है ना साइट इंजीनियर में आप गए हैं तो डेली, लगभग डेली आपको कॉन्क्रीट टेस्ट करना होता है। और जो नो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट अगर आपको नहीं पता तो आपको साइट इंजीनियर की जॉब तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकती। मतलब आप वैसे तो वहां सिखाते हैं पर आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, एक बार पता तो होना चाहिए क्या क्या होता है उसमें। तो स्लम टेस्ट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लम टेस्ट जो है आपको डेली करना होता है, मतलब अगर साइट इंजीनियर गए तो डेली तो स्लम टेस्ट करना होता है, क्योंकि हमेशा डेली कंक्रीट यूज होता है तो डेली स्लम टेस्ट करना पड़ेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब ये सारे टेस्ट पता होने चाहिए, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्लम टेस्ट, तो आपको 100% मतलब एक टू जेड स्टेप टू स्टेप याद होनी चाहिए। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, और भी किसी टॉपिक समझ नहीं आया किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसनरी वॉल आर प्रोवाइड इफ लेंथ एक्सीड, मतलब एक्सपेंशन जॉइंट कब प्रोवाइड किया जाता है किसी मेसनरी वॉल में, जब उसकी लेंथ जो 40 मीटर से ज्यादा हो जाए, मतलब हर 40 मीटर की लेंथ के बाद एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, मतलब ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। मतलब अब इसमें हमसे ये भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, सेकंड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, या फायर ब्रिक्स की कंप्रेसिव। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 105 kg पर मीटर स्क्वायर होती है, सेकेंड क्लास की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और फायर ब्रिक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी 125 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब फायर ब्रिक्स की सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ये पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होगी, फर्स्ट क्लास की होगी कि फायर ब्रिक की होगी, तो आप बता सकते हैं फायर ब्रिक की होगी। तो अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन व्हिच इज यूज फॉर द कंप्रेसिव टेस्टिंग। तो ये इजी क्वेश्चन पूछ लिया, कंप्रेसिव टेस्टिंग के लिए कौन सी मशीन, मतलब जो क्यूब टेस्ट होता है हमारा उसमें कौन सी मशीन यूज होती है। तो वो मशीन आपने देखी होगी ऐसी होती है कुछ, तो उसमें जो वो UTM मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, कुछ लोग इसे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन भी बोल देते हैं, तो पर इसका जो असली नाम है वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, तो ये नाम आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, तो आपके लिए मैं और भी इंटरव्यू के क्वेश्चन लाता रहूंगा आगे वीडियो में। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।